राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आरएसएस का आज स्थापना दिवस है और इसी के साथ ही आज 91 साल का हो गया है संघ। इस अवसर पर आरएसएस में आज बड़ा बदलाव करते हुए संघ कार्यकर्ताओं की यूनिफॉर्म बदल दी गई है। विजयदशमी के अवसर पर आयोजित समारोह में स्वयंसेवी खाकी निकर की बजाय ब्राउन फुल पैंट में नजर आए। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में हुए समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। आपको बता दें कि संघ की ड्रेस में इससे पहले भी 3 बदलाव हो चुके हैं। संघ की स्थापना के समय स्वयंसेवकों की ड्रेस में खाकी कमीज, खाकी निकर, चमड़े की बेल्ट, काले जूते और काली टोपी शामिल थी। संघ ने पहली बार ड्रेस में बदलाव 1939 में किया था, तब खाकी शर्ट को बदलकर सफेद किया था। संघ का मानना था कि उनकी ड्रेस अंग्रेजी सेना की ड्रेस से मिलती जुलती थी, इसे ध्यान में रखकर ही पहला बदलाव किया गया। दूसरा बदलाव 1973 में किया गया, तब स्वयंसेवक ने वजनदार जूतों की जगह नॉर्मल काले जूते अपनाए और स्वयंसेवकों की ड्रेस में तीसरा बदलाव 2010 में किया गया, इसमें चमड़े की बेल्ट की जगह कपड़े की बेल्ट को शामिल किया गया था। तो आखिरकार संघ की यूनिफॉर्म में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि 13 मार्च 2016 को नागौर में प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में ड्रेस कोड में बदलाव का फैसला लिया गया था। देखते रहिए टीवी लाइव।